उड़ीसा के राज्यपाल, उनके बेटे कुछ दिन पहले उन्होंने राजभवन के एक स्टाफ की पिटाई करी। वो जो स्टाफ थे, वो जो एएसओ स्टाफ थे, उनकर पिटाई करने के बाद जब वो एफआईआर फाइल करने गए, उनकी एफआईआर रखी नहीं गई। बड़ी मुश्किल से एफआईआर फाइल हुआ, मेडिकल एग्जामिनेशन किया गया, उसके बावजूद भी, और जबकि ये घटना माननीय महामहिम राज्यपाल जी के बेटे ने राजभवन के प्रिमाइसिस में किया, उसके बावजूद भी आज तक उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं, आज तक उनको किसी ने सवाल भी नहीं किया स्टेट पुलिस ने कि इस मामले की क्या जांच होनी चाहिए। तो यही बताता है द रूल ऑफ लॉ टुडे इन द स्टेट ऑफ उड़ीसा। तो हमने आग्रह किया, दीज आर द इश्यूज वी विल बी टेकिंग अप। संघीय व्यवस्था में हम विश्वास रखते हैं और हम आशा करते हैं कि चाहे वो गवर्नर के बेटे हो, चाहे आम आदमी का बेटा हो, अगर कोई गलती करते हैं तो लॉ शुड टेक इट्स कोर्स। अनफॉर्चुनेटली आज उड़ीसा में लॉ इज नॉट टेकिंग इट्स कोर्स।